तो अभी हम लोग आर्ट गैलरी जाके आ गए, अच्छी खासी थी। मतलब ऊपर मुझे थोड़ी बहुत बुरी लगी, जो ह्यूमन पेंटिंग्स थे जो पहले के थे, मतलब बहुत जूने जूने, तो वो मुझे ठीक ठाक लगा। बट उसके नीचे जो था, जहाँ स्टैचूज थे, फिर अलग अलग मतलब कलरफुल पेंटिंग्स थे, वो बहुत अच्छे थे देखने में। आप लोगों को एक दो क्लिप्स दिख जाएगा बीच में। वहाँ अलाउड नहीं था, बट पता है ना इंडिया का रूल, जहाँ नहीं लिखा रहता अलाउड, वहाँ कैसे भी कोशिश करके लोग लेते ये फ़ोटोज़। तो मैंने भी वैसे ही किया है, तो चलो फिर वो आप लोग को दिखने मिल जाएगा। हाँ ना, बांस का पेड़ तो हमारे तो कहीं भी जाओ घूम फिर के हर जगह दिख ही जाएगा गांव में। पर यहाँ भी है बांस का पेड़ पीछे मेरे। हम लोग ने फोटोज वगैरह निकाल ली अभी बाहर, बहुत सुंदर लग रहा है ये जगह। देखो हमारा इंडिया का फ्लैग भी लगा हुआ है, और ये दो मोहतरमा, मोहतरमा तो लड़कियों को बोलते है ना, हाँ ये एक मोहतरमा और ये एक भाई साहब चल रहे है। क्या बोलते उसको पता नहीं। ये देखो ये एक है जो ये बनाया है, वो सारे घर के बर्तनों से बनाया है। रुको मैं जूम करके दिखाती हूँ, शायद दिख जाए आप लोगों को। हाँ ये देखो सारे बर्तन है इसमें, बहुत सुंदर लग रहा है। वहाँ पे भी जाके ले सकते हैं नीचे नीचे से। तो इतनी धूप है कि हमें आइसक्रीम खाना पड़ रहा है, इतना मन कर रहा है मतलब आइसक्रीम देख के। तो हम अभी खा रहे हैं ऑरेंज बार। ये खाली पकड़ बैग लेके आ गए, हमने कुछ उपयोग ही नहीं किया ये बैग का। कोई नहीं आदत है। बैचलर के कंधे पे बैग होना चाहिए। है ना, ये ले जाओ। तो यहाँ मधुबनी पेंटिंग के बैग्स भी है। सीपी में हम अभी ए ब्लॉक में है। निशिमोशी ने बोला एन या एम तक है कुछ ब्लॉक, यहाँ कंफर्म नहीं है बट है। हाँ एन तक है, एन ब्लॉक तक है। तो चलो अभी लग रहा है कि मार्केट चालू हो गया। सुबह आए थे जैसे आप लोगों ने देखा कि मार्केट चालू नहीं हुआ था। बहुत खाई में, सब खाई में यहाँ सब अपने इसमें। तो अब हम जा रहे हैं बैंगर्स में, जो 1926 में ये खुला था। तो चलो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ इसका एंट्री कैसा है। तो ये है एंट्री, अंदर बेकरी देख लो, केक पेस्ट्री जो खाने का मन है। कहा भट बहुत अच्छा होगा, क्या स्मेल आ रहा है सही। तो यहाँ आपको केक पेस्ट्री सब कुछ मिल जाएगा, कितना सही है। तो अच्छा हो गया, हम लोग जाने तक लाइन नहीं था, और अभी देखो कितने लाइन लग गई है इसके बाहर। सही है, अच्छा टाइम पे चले गए हम अंदर, नहीं तो रुकना पड़ता। तो हम लोग आ गए चांदनी चौक, इधर डोसा वगैरह भी। बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। हम जा रहे पराठे वाली गली। यहाँ बहुत सारी गली में ऐसा डिवाइड है, मतलब शॉपिंग के लिए अलग है, पराठा के लिए अलग है, ऐसा कुछ है इधर। मुझे भी ज़्यादा अच्छे से आइडिया नहीं है। मौसी बोली हाँ, तो हर गली में अलग अलग मिलता है, तो आप ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होगे शायद। कहाँ चलना है? हाँ ना, पुरानी दिल्ली। पुरानी दिल्ली, ये पूरी पुरानी दिल्ली। वहाँ रिक्शा वगैरह कितना मस्त है। अरे पर लाल किला अंदर से घूमने में पूरा टाइम चला जाता है।
ये है पराठा गली। चलो सब लोग वार्न कर रहे हैं यहाँ कि फोन अंदर रख लो, फोन अंदर रख लो, तो भी मैं रिस्क लेके आप लोग के लिए वीडियो बना रही हूँ। लेट्स सी कैसा होता है। ये देखो सब मिल रहा है। कहाँ खाने वाले, कैसे कोने कोने में सारे शॉप्स है यहाँ पर देखो। झुमके तो हम अब इसमें जा रहे हैं, ये वाले शॉप में खाना खाने। चलो सर, भीड़ है, सब जगह भीड़ होगी। और बारिश आने लगी, हमने छतरी नहीं लाया। ये क्या क्या मिलता है इधर, वो क्या था? चांदनी चौक की गली, ये देखो। तो अभी अभी हमने खाया पनीर पराठा और मिक्स पराठा दोनों। बहुत गर्दी था यार, बहुत ज़्यादा गर्दी था, तो कैसे भी हम लोग मतलब खा लिए वहाँ से। और अभी हम लोग सोचे एक राउंड मार लेते हैं यहाँ से चल के, जो आप लोग को मैं दिखा सकूँ ब्लॉग में। तो अभी हम लोग वहाँ लाल किले तक चलते हैं वहाँ तक, उसके बाद वहाँ से मेट्रो ले लेंगे। चर्च है वो बहुत ज़्यादा बहुत पुराना है। कब का होगा ये? 1860. क्या 1860 का है? 1860 का ये चर्च है। तो ये वाले रोड पे सब कल्चर का, मतलब हिंदू का है, क्रिश्चियन का है, मोमेडियंस का है, पंजाबी का है, सबका मतलब सब कुछ है मंदिर वंदिर। तो ये रोड पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। चांदनी चौक ऐसे रिक्शे देखने में यहाँ ही और गांव में ही मिलते हैं, बहुत सुंदर लगता है ये रिक्शा। तो शादी के टाइम में लाल किला आई थी, हाँ सिर्फ इतना सा था और यहाँ पर खाई थी मैं पूरा पीला कलर का। तो उसके वजह से और गर्दी लगता था, बहुत बुरा हाल था। मैं लहंगा लेने के लिए आती थी, रो देती थी। अभी रेड फोर्ट के अंदर जा रहे हैं हम। हाँ देखते हैं, अगर अंदर जाने मिला रेड फोर्ट के अंदर तो फिर रेड फोर्ट के अंदर भी जाके आपको दिखाएंगे। तो तब तक बाहर से देख लो। और अदिति में अभी भी एनर्जी बाकी है? एनर्जी बहुत बाकी है, खाली मेरा पैर ठीक रहे और मेरी बहन बच्ची की जो मैं शूज पहन के आई हूँ, मुझे लग रहा है कि वाट लगने वाली मेरी, ऑलरेडी लग रही है। आज अगर हमसे नहीं होना रेड फोर्ट कवर तो मैं ना कल या परसों, मैं क्योंकि 29 को जा रही हूँ, तो मैं चली जाऊंगी जाऊँगी मैं यहाँ पर, क्योंकि रेड फोर्ट अंदर बहुत है घूमने के लिए। तो मैं बोल रही आज नहीं जाते फिर अंदर बहुत से, तो फिर आज कुतुब मीनार चल लेते हैं। चलेगा रेड फोर्ट और जामा मस्जिद एक दिन कर देना, क्योंकि आज मार्केट मार्केट बहुत चल रही है। हाँ वही तो, बहुत चल रहा है, हो गया तो आज नहीं कर सकते। सो गाइस, आज पूरे दिन घूमने के बाद इतनी थक गई, इतना सर दुखने लगा मेरा कि अभी मैंने मेडिसिन खाया। मेरी मासी डॉक्टर है ना, तो उन्होंने मुझे मेडिसिन दे दिया और कोल्ड कॉफ़ी भी बना दिया। सी नाइम दिन एडिटिंग। तो आज का मेन्यू है ये दूधी का दाल, करेला, आलू का सब्जी और पूरी। सब बैठ गए हैं।